अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम खड़े हैं दारुसेद हॉस्पिटल में और यहाँ खड़े होने की वजह यह है कि मैडम की तबीयत ख़राब है और ये प्रसेक्शन है, इनकी मेडिसिन ले रही है और ये मेडिकल स्टोर फार्मेसी है 24/7 और ये ट्रॉमा एंड एमरजेंसी सेंटर सर। तबीयत किसी की ख़राब है? मेरी। तुम तो वीडियो बना के तबीयत ज़्यादा ख़राब है और गला बहुत ख़राब है और शदीद खांसी है। आज जाके कुछ आराम हुआ है, उसी का आज शख्साना है कि आज हम दोबारा सेकंड टाइम इनको इंजेक्शन लगवाने आए हैं। इसमें एक गले का है और एक जो दूसरा है वो है बुखार का। तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, ठीक हो जाएंगी और लगाना पड़ेगा सारा दे रहे ना मुझे। हाँ लगाना पड़ेगा और इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, वायरल है हो जाएगा। मेरी नज़र का भी काम करनी है हमारे घर में, कल नज़र है इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहु। अच्छा कल है और कल शाम से हार्ड वे दुआ कीजिएगा कि अल्लाह इनको सेहत दे और इतनी ताकत दे कि कल वाला जो ये नज़र का ये वक्त है ये बहुत खैरियत से अच्छी तरीके से गुजर जाए। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं कि मेरे इंजेक्शन लगने की तैयारियां हो रही हैं और देखिए मैं वीडियो बनाना नहीं छोड़ रही, वीडियो ज़रूर बनाऊँगी मैं। मेरा बहुत बुरा हशर है, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है और बहुत बुरा हाल हो रहा है मेरा और नज़ला ऐसा है कि बगैर टिशू के आप गुजारा नहीं कर सकते, संभाल नहीं सकते, इतना बुरा हाल है। और दारुसेहत में आई हुई मैं इंजेक्शन लगवाने के लिए और मुझे बहुत डर लगता है इंजेक्शन से, कल भी मेरी चीखें निकली थी। आप देखें मैं इतनी बहादुर नहीं हूँ, भाई सुई से सबको डर लगता है, मुझे कुछ ज़्यादा लगता है, तो देखिए अब क्या होता है। एहतियात करें जितना हो सके इस मौसम में, मौसम बहुत ख़तरनाक है, ठंडा खट्टा ये सब मत खाएं। मैंने तो खैर ठंडा और खट्टा भी नहीं खाया, पता नहीं क्या हुआ है, शायद हवा से हुआ या कहीं से लगा है मुझे वायरस, लेकिन बहुत बुरा है। बुखार शिद्दत के साथ, नज़ला खांसी, पूरी बॉडी में दर्द और प्लस मेरी शुगर हाई, मैं बहुत परेशान थी कल, इसलिए व्यूअर्स मेरा व्लॉग नहीं आया, सिर्फ मैंने शॉर्ट जो है ना वो तो डाल दी थी, मैंने वीडियो नहीं डाल पाई बस मैं कल। भाई बहुत बुरा हशर था मेरा, मुझसे बोला ही नहीं जा रहा था, इतना बुरा हाल था मेरा। डॉक्टर ने मना कर दिया इंजेक्शन लगाने से कि हम इंजेक्शन नहीं लगाएंगे। ये थी वो डॉक्टर, याहू मेरा इंजेक्शन नहीं लगा, दूसरी जगह से लगवाते हैं, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, आज नहीं लगेगा। वेलकम बैक व्यूअर्स, ये देखें इस आदमी ने मुझे इंजेक्शन लगवाना है और ये पहलवान घूट की तरफ लेकर आए मुझे हॉस्पिटल में, माए हॉस्पिटल में 24 आवर्स का। आप ये देखें, ये जो शख्स है ना ये ज़रूर इंजेक्शन लगवाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए छोड़ेंगे नहीं, मैंने कल से तंग किया हुआ इनको। इसमें मेरा फ़ायदा है पता है? क्यों? लेकिन तुम्हारे लगेगा फ़ायदा मेरा होगा, पूरी रात तुम मुझे तंग नहीं करोगे। मैंने आपको नहीं तंग किया, ओ झूठ ना बोले। इंजेक्शन लग गया है बाजू में, बड़ा ख़तरनाक किस्म का इंजेक्शन और इंशाल्लाह रात मेरी अच्छी गुजरेगी, बेहतरीन रात, सही कह रहा हूँ ना, जल्दी से ठीक हो जाए आप, ठीक है, पक्की बात है। चलो कल न्यास के इंतज़ाम करना है आपने, आधा काम हो गया, आधा काम हो गया ना, आता रहता है अभी। चलो ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। जी जी थैंक यू यार, गरम है, बच्चा समझदार है। हैदर साहब ने मुझे इंजेक्शन लगवाया और उसके बाद मिर्ची का क्लब सैंडविच जी वो खिला रहे हैं मुझे और चाय पिला रहे हैं। तो तुम्हें खुजली हो रही है खाने में? अच्छी चीज़। मुझे नहीं, मैंने आपको मना किया था जी, दिखा रही हूँ मैंने आपको मना, जो इनको मना है सख्ती से मना है। मैंने नहीं खाना केचप, मैं वैसे भी नहीं खाती केचप, आ गया साइड में और आप जी खा सकते हैं, ये भी नहीं खाएंगे आप, एक क्लब सैंडविच है आप भी नहीं खाएंगे, ओनली क्लब सैंडविच जी नहीं, मैं तो ये खाऊंगी चिप्स। आप एक्सरसाइज कर रहे हैं? मैं तो खा सकता हूँ,
मुझे चाय पिलाने लाए थे, उसके साथ उन्होंने मुझे बोला कि मैं तुम्हें जो ना सैंडविच खिला रही हूँ, क्लब सैंडविच। वो शख्स मैं हूँ। देखिए आप लोग पहले इंजेक्शन लगवाते हो और फिर जो है ना वो गरम सैंडविच खिलाते हो मुझे चाय के साथ। हैदर जी आई लव यू। आई लव यू टू। आई लव यू टू विद फ्रेंच फ्राइज। चले जी मैंने जो है वो बताती हूँ आप लोगों के, मैंने जो नजर इमाम जाफर शादी का सलाम का जो सामान है टिकिया और खीर बना ली है। कल बस थोड़ा सा काम है तो वो करना है मुझे, और फिर मेरी मेट आ जाएगी सारा दिन के लिए मेरे पास, अल्लाह का शुक्र है हो जाएगा। और अब हम सैंडविच लेंगे और फिर आपसे मिलेंगे घर चलकर। वेलकम बैक व्यूवर्स, रात के बाद अब मैं हाज़िर हुई हूँ। मैंने कहा था घर जाके मैं वीडियो बनाऊँगी लेकिन मैं नहीं बना पाई, सो गई थी मैं। और अब सुबह का टाइम है, इंशाल्लाह 8 बजे तक मेरे फूडे स्टार्ट हो जाएंगे और नजरे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत बहुत बेहतर है। और दूसरा ये कि 10 किलो चिकन धोनी है, मुझे कोरमा बनाना है और मैं इसकी रेसिपी भी आपसे शेयर करती रहूँगी और छोटे छोटे से क्लिप्स हैं जो मैं ज़रूर दिखाऊंगी आपको सेटिंग करते हुए। सबसे पहले तो जो मैंने बर्तन धोए ना मैं इनको रख दूँ क्योंकि अभी मेट आने में टाइम है मेरी। तो चलें फिर चिकन धोते हैं और फिर प्याज काटते हैं, फिर आपसे हम मिलते हैं। सेकेंड ये कि आवाज़ बहुत बेहतर हो गई है मेरी, क्योंकि एक तो मैंने स्टीम ली, दूसरा मैंने गगल्स किए जिससे मेरा गला बहुत ज़्यादा खुला, और इंजेक्शन जो रात में लगा उसने बहुत काम दिखाया, बुखार मेरा उतर गया। और अल्लाह सबसे पहले मेरे अल्लाह का शुक्र है कि मेरे अल्लाह ने मेरी तबीयत ठीक कर दी। और शायद नज़र का अहतमाम करना था, दूसरा ये कि वसीला मेरे मौला बने और मैं ठीक हो गई। और उसके बाद हैदर जैदी साहब, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी और मेरा बहुत ख्याल रखा। और परवरदिगार आलम बस हैदर के लिए दुआ है कि ये हमेशा मेरे साथ ऐसी रहें और परवरदिगार आलम इनको ज़िंदगी सेहत दे बहुत ज़्यादा। चलें तो फिर हम जल्दी से आपको किचन में चिकन धोके मिलते हैं। कम बैक व्यूअर्स, ये अभी सिर्फ आधा काम हुआ है और ये मेरी बच्चियों ने किया है। व्लॉग में नहीं आ सकती, मना है आना, तो आवाज़ आ सकती है। तो आप बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरी बच्चियों का। और ये कितनी है, दो चार, ये चार पागल बच्चियां थी जिन्होंने सारा काम किया मेरे घर का। थैंक यू, लव यू मेरी बच्चियों। वेलकम बैक व्यूवर्स, आप लोग देख सकते हैं कि नजर इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम की तैयारियां हो चुकी हैं और 8 नहीं बजे हैं, अभी बजने में टाइम है 7:45 है। आप देख सकते हैं ये मेरी बच्चियां जिन्होंने किया है, जो कैमरे के पास नहीं आ सकती बैक कैमरा बोल सकती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। चार बेटियां मेरी माशाल्लाह माशाल्लाह, पांच, हाँ सॉरी मैं भूल गई थी, एक को छोटी वाली को भूल जाती हूँ हमेशा मैं। और ये सारा काम मेरी बच्चियों ने किया है, ये देख लें ये सब चीज़ें, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। और ये अलीशा है जिसने बहुत मेजरमेंट करके प्लेटें रखी हैं, गिलास रखे हैं, ये सब इसने किया, ये आधे घंटे से दस्तरखान में लगी हुई थी। और ये जो ऊपर की चीज़ें ना ये आयशा ने सजाई हैं, और तीन बच्चियों के मैं नाम नहीं ले सकती, ठीक है, उनकी आवाज़ें आ रही हैं खाली। हाँ भाई थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया परवरदिगार आलम, तुम लोग परवरदिगार आलम मेरी बच्चियों का अल्लाह पाक नसीब बेहतर करे, अच्छा करे, और ये जो चाहती इनको इस जिंदगी में इनको मिले। और थैंक यू कैमरे के सामने आके बोलो फिर बताती तुम लोगों को। चले जी थैंक यू, थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। अच्छा व्यूअर्स, मैंने मर्दों का भी किया लेकिन बहुत सिंपल किया, क्योंकि मर्द बहुत सिंपल होते हैं, औरतें थोड़ी सी चटापटी होती है, तो ये औरतों का इंतजाम है। अब मैं आपको मर्दों का दिखाती हूँ, मर्दों का बिल्कुल सिंपल, क्योंकि आदमी जो होते हैं ना वो बिल्कुल सिंपल होते हैं, तो इसलिए मैंने सिंपल बनाया। और ये जग जो है ना मेरी छोटी वाली बेटी ने भरा है पानी का, जिसका मैं नाम भूल गई थी, और इसके अलावा उसने कोई काम नहीं किया। और ये वो मुझे हाथ से मार के कह रही है कि मैंने चादर भी भिजवाई थी और मैंने वो वाली कुर्सियाँ भी ऊपर लगाई थी। मैंने बोला मैं ये भी आपको बता दूँ। चलें जी तो अब लोगों के आने का इंतज़ार है और बस फिर मिलते हैं आपसे। वेलकम बैक व्यूअर्स, रात के बज रहे हैं 2, मैं अभी फारिग हुई हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नज़र जो है वो बहुत अच्छे से हो गई, और परवरदिगार का शुक्र है, और उसके बाद मेरे मौला का शुक्र है कि मेरी नज़र को कबूल किया उन्होंने। दूसरा ये कि ये देखिए आप,
बच्चियाँ सजा जा के सब कुछ कर करा के चली गई घर अपने। और एक दफ़ा फिर जिन जिन लोगों ने मेरी बहुत हेल्प करी, मेरी बेस्टी बुशरा थैंक यू, और फिर मेरी बच्चियाँ जो आईं और लगी मेरे साथ और अभी गई हूँ सब घर पे, आयशा अलीशा और मेरी बेटियाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, मेरे बेटों का और स्पेशली हैदर का जो उन्होंने मेरा इतना साथ दिया। और सबसे पहले तो मुझे शुक्रिया अदा अल्लाह का करना चाहिए कि मैं ठीक हो गई और अल्लाह ने मुझे जो है वो सेहत दी और मैंने जो है ना इतनी बड़ी नज़र जो है वो करवा ली घर में। चले जी तो व्लॉग एंड करते हैं। मेहमानों के टाइम पे बारिश बहुत तेज़ हो गई थी और फिर लाइट भी चली गई थी, जिसकी वजह से वो जो है वो मैं नहीं मना पाई अंधेरे में बिल्कुल भी ना, तो वो मिस हो गया आप लोगों से। दूसरा ये कि हैदर साहब आ रहे हैं, दिल नहीं चाह रहा आपका, कुछ बोल दें। अब थक गए, मतलब बैटरी डाउन हो रही है मेरी, तो हो रही है बच्चों की भी हो रही है और हैदर की भी हो रही है। तो चले जी अब व्लॉग को ख़त्म करते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे आपके कमेंट्स का रहता है इंतज़ार। अल्लाह हाफिज़, कल मिलूँगी एक नए दिन के साथ एक नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में रखिएगा। बाय, अल्लाह हाफिज़।